आप पूछती हैं तुम्हारे काले रंग होने का कारण क्या है, उन्होंने गोपियां उन्हें तोड़ खिलाती हैं, मक्खन बहुत खिलाती हैं। गोपियों ने कहा महाराज अच्छी बात है तुम्हें बुला रहे हैं, मक्खन भी खिला रहे हैं, वो तो सफेद है तो उसमें काले पन की बात क्या। कन्हैया जी कहते हैं वो तो सब थी लेकिन गोपियां जो है वो हृदय की काली है, उनके कालेपन को भी मैं स्वीकार कर लेता हूं इसलिए काला था। बहुत मार्मिक मर्म कन्हैया समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर जितने भी कालेपन हैं अगर सच्चे ही में तुम समर्पित करें और गोपियों ने समर्पण ही किया है तो कन्हैया ने उनके कालेपन को भी स्वीकार कर लिया इसलिए मैं काला था। द्वारका की नगरी के लिए रवानी हुई
हर राह में मंजर चखम खाते चले गए, हर राह में चखम मंजर खाते चले गए, पैरों में छाले फिर भी बढ़ते चले गए। न तन का होश न मन काबू, न तन का होश न मन काबू में, न जाने कैसे मदहोश होते चले गए। ऐ कन्हैया तेरी खातिर रो रो के हम दीवाने से, श्री सुदामानी महाराज भागवत में बड़ा विस्तार पूर्वक कर लेना है तो सुदामानी लोग द्वारकाधीश से मिलने के लिए चले। मैंने ही प्रलोभन में सुशीला कहती है अपने मित्र से मिलाओ, सुशीला का प्रयोजन कुछ और है, कहने का कि अपने मित्र से कुछ मांगो। सुदामा कहते हैं सुशीला मैं अपने मित्र से कुछ मांगूंगा, पत्नी भी समझदार पति की भावनाओं को समझ गई कि मेरा पति मरते मर जाएगा मगर अपने मित्र से कुछ मांगने वाला नहीं। कहती है चलो जी कुछ मांगना मत, बहुत दिन हो गए ना, कम से कम मिल ही रहा, पता नहीं गरीबी की हालत में कब इस तन से प्राण निकल जाए, उससे पहले कम से कम एक बार अपने मित्र से मिलो। जब मित्र से मिलने की बात थी बात समझ में आ गई, मांगना नहीं केवल मिलकर ही आना। सुशीला मैं बहुत दिनों बाद अपने मित्र से मिलूंगा, तुम बताओ अपने मित्र के लिए क्या लेकर जाऊं, मुझ जैसे गरीब के पास तो कुछ। सुशीला कहती है नहीं नहीं खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाना, पड़ोसियों से मांग कर चार मुट्ठी तंदूर सुदामा जी की बोतलों में डाल। और जब सुदामा जी बोतली में लेकर चले कन्हैया की नगरी में द्वारकाधीश के महल के बाहर जब पहुंचे, बड़ा आनंद मिले कर द्वारपाल से भैया बस इतना ही कह दो कि सुदामा आया। द्वारपाल हंसता है शायद गरीबी ने इस बाबा का दिमाग असंतुलित कर दिया है, बार बार प्रार्थना करने पर किसी दया भाव में आकर द्वारपाल जब ठाकुर जी को संदेश देता है कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया है, केवल इतना ही सुना सुदामा आया है, भगवान नंगे पांव दौड़े हैं, नंगे क्योंकि मेरा भक्त नंगे पांव चल गया, उसका काम कहां तक था मेरे द्वार पर आने का, और जब द्वार पर आ गया और गुहार कर रहा है भगवान भी अपने वैभव को छोड़कर बस दावा इतना ही करना था और ज्यादा नहीं। और जब बहुत ने हृदय से लगाया फिर सुदामा को चलने नहीं दिया, भगवान ने सुदामा को अपनी गोदी में उठा दिया और गोदी में उठाकर सिंहासन पर बैठाकर भगवान ने सुदामा के चरण पखारे और चरण पखारने के बाद उस चरणामृत का पान भगवान ने स्वयं और जब उनकी आरती की और आरती करते करते देखा मेरे मित्र की भाल पर ये गरीबी की मस्तक पर रेखाएं आ रही हैं,
भगवान ने तिलक के बहाने से उनकी रेखाओं को मिटा। सुदामा कुछ मान नहीं रहा, वो केवल मिलन की बात कर रहा है। और जिसके पास हरि मिल जाते हैं, वैभव संपत्ति दुनिया के ऐशो आराम सब अपने आप मिल जाते हैं। मांगने कृष्ण प्यारे हमारी परिस्थितियां क्या, हम डिमांड ज्यादा करते हैं। हाँ ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे, हम ये काम हो जाए तो फिर करेंगे, ये काम होगा तो बल लंगर करेंगे, ये काम होगा तो भगवान के वस्त्र पहनाएंगे। तो पहले ही वस्त्र पहना दें तो तेरे काम अपने आप करें, तो पहले ही लंगर लगा दें तो तेरे काम अपने आप करें। काम होने के बाद कौन सा एहसान करें,